तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं सिकंदर टैक फॉर यू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप ऑनलाइन आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपने ऑनलाइन आधार कार्ड अप्लाई किया था पीवीसी वाला और आपका आधार कार्ड अभी तक आपके घर में डिलीवर नहीं हुआ और उसका कुछ अता पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे आपके फोन के जरिए आपका आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहता हूं, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारी दी गई इंफॉर्मेशन जानकारी जरा सी अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल में आने का है, गूगल में आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे udi.government.in आधार, इसी पे एंटर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट आधार, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, चेक योर आधार कार्ड स्टेटस, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे जैसे आएंगे ना आप, यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है चेक आधार कार्ड स्टेटस, चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपसे SRN नंबर पूछेगा, यानी जब आपने आधार कार्ड ऑर्डर किया होगा पीवीसी वाला तो आपको एक रिसिप्ट मिला होगा जिसमें SRN नंबर लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो फटाफट हम SRN नंबर फिल कर लेते हैं और आपको इसी तरीके से फिल कर लेना है। तो फटाफट दोस्तों हम फिल कर लेते हैं। SRN नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्शन दिख रहा होगा, कैप्शन फिल कर लेना है, क्योंकि दोस्तों कैप्शन बहुत बार गलत हो जाता है कितनी, तो आपको केयरफुली फिल कर लेना है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। तो हम फटाफट हम कैप्शन फिल कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख के आ जाएगा, SRN नंबर, आपने कभी ऑर्डर किया था वो डेट आ गई। अब यहाँ पे करंट स्टेटस लिखा हुआ आप देख रहे हो, यहाँ पे करंट स्टेटस यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रिंट कंप्लीटेड, मतलब आपका आधार प्रिंट कंप्लीट हो चुका है, प्रिंट हो चुका है और वो इंडियन पोस्ट, यानी जो हमारा इंडियन पोस्ट है गवर्नमेंट पोस्ट, उसके थ्रू रिलीज भी हो चुका है। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी भी देखने को मिल जाएगा, यानी बिल एयरवे नंबर, यही आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी नंबर लिखा हुआ है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा भी है डिस्पैच डेट, यानी कितनी तारीख को ये डिस्पैच हो चुका है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर भी लिखा हुआ है, आप ट्रैकिंग नंबर के माध्यम से भी आप अपना आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डिस्पैच डेट भी लिखी हुई है। तो दोस्तों, इतने सिंपल और आसान तरीके से आप अपना आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर चेक कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो कि स्टेटस क्या है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों एकदम सिंपल सा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे चेक कर सकते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल के जरिए ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।